भोजपुरी फिल्मों में अरविंद अकेला कल्लू धीरे धीरे ही सही, फिल्म दर फिल्म सही, अपनी एक अलग पहचान बनाते जा रहे हैं। गायक से नायक बनने की कड़ी में अरविंद ने एक कदम आगे ही बढ़ाया है। बचपन से ही अरविंद स्टेज शो करते थे और उनके स्टेज शो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। इसी तरह धीरे धीरे वो फिल्मों में आ गए, जो कि अमूमन भोजपुरी स्टार्स के साथ होता है। अगर वो अच्छा गायक है तो नायक तो वो बन ही जाता है। अरविंद बिहार के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अरविंद का असली नाम अरविंद चौबे है। अकेला और कल्लू उनका पेट नेम यानी कि उपनाम है। आइए मिलते हैं उनके परिवार से। तो अरविंद के घर में उनके माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन समेत कुल 5 लोग रहते हैं। अरविंद की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अरविंद के पिता चुम्मन जी चौबे की पारखी नजर ने अपने बच्चे के टैलेंट को बचपन में ही पहचान लिया था। जब महज अरविंद 4 साल के थे तो चुम्मन जी चौबे यानी कि अरविंद के पिता ने उन्हें जान लिया था कि वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। वैसे यहाँ आपको बता दे कि अरविंद के पिता खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। सो उन्होंने अपने सपनों को अपने बेटे के अंदर देखा। उन्होंने अरविंद के करियर को संवारने में जी जान लगा दी। जब बचपन में 9 या 10 साल के बच्चे ठीक से दुनियादारी की समझ भी नहीं रखते हैं, खेलने कूदने में अपना दिन बिता देते हैं, उस समय 9 से 10 साल की उम्र में अरविंद बड़े बड़े स्टेज शो किया करते थे और ये स्टेज शो खूब पॉपुलर भी हुआ करते थे। बेटे की इस कामयाबी पे उनके पिता फूले नहीं समाते। अरविंद की माँ एक हाउसवाइफ है और अरविंद अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हैं। वैसे अरविंद के बड़े भाई आशुतोष चौबे भी बहुत अच्छा गाते हैं। अरविंद अपने इस कामयाबी को पूरी तरह से अपने पिता के ऊपर समर्पित करते हैं। अरविंद के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक पितृभक्त है, यानी कि अपने पिता की हर आज्ञा का पालन अरविंद सिर झुकाकर और आग बंद कर करते हैं। उन्हें अपने पिता के ऊपर इतना विश्वास है कि अगर वो कुछ भी उनके लिए करेंगे तो वो गलत नहीं करेंगे। वैसे सही भी है, उनके पिता ने बचपन से ही अरविंद के करियर को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियसनेस दिखाया, जिसे आज अरविंद महज 20 साल की उम्र में ही वो कामयाबी हासिल कर ली है, जो कामयाबी हासिल करने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है। अरविंद के स्टेज शो के साथ साथ उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करती हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे नए चैनल श्री डिजिटल मीडिया को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसे भी बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर उससे जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे रहे हैं, जिसे आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमारे नए चैनल को भी अपना आशीर्वाद दीजिए।